शाजिया, इशाद का आवाज़ है बेटा, खेलता रहेगा तो होमवर्क कब करेगा? जी अम्मी, अभी बुला के आती हूँ। ले ले ले, जल्दी ला, जल्दी ला, दे दे दे। अरे यार, अशोक जल्दी, इशाद, इशाद, इशाद पापा, अम्मी बुला रही है, मेरी पार्टी नहीं आई अभी तक, पढ़ाई कौन करेगा? मैं थोड़ी देर में आऊँगा, ठीक है? मैं अम्मी को बोल देती हूँ फिर। बोल बोल, जल्दी बोल। अम्मी, हाँ, इरशाद अभी खेल रहा है, थोड़ी देर में आएगा। ठीक है, मैं तब तक कमरा तैयार कर दूँ? तीनों कमरों की बेडशीट चेंज कर लेना, एक घंटे में सब आना शुरू कर देंगे। ठीक है। और सुन, तो खुद भी थोड़ा तैयार हो जाना। जी अम्मी। शाजिया। जी अम्मी। बेटा वाहिदा को फोन करके पूछ, मुस्कान और अलविरा क्यों नहीं आई 3 दिन से? तबीयत तो ठीक है उनकी? ठीक है अम्मी, अभी फोन करती हूँ। सब्जी वाला, बोल बोल जल्दी बोल, मोहित बोल बोल। अस्सलाम वालेकुम रुबीना भी। वालेकुम अस्सलाम रुबीना भी, वो बैठना। और आप जरा जल्दी आ गए हैं, लड़कियों को आने में वक्त है, अभी लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो अंदर ही इंतज़ार कर लेते हैं, अभी जाके फिर से कहाँ आऊँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ले ले ले, जल्दी जा। कौन है, कौन है ये? प्यास लगी यार, फिर जाके फ्रिज वाला पानी लाना। अभी अभी पानी लेने जाऊंगा तो अम्मी रोक लेगी, नहीं आ पाऊंगा। अबे कुछ नहीं रोकेगी यार, तू जाना, गला सूख रहा है, जाना। हाँ यार, ठीक है, चल जा जा जा, चल खेल। का डब्बा भी ले ले। मुश्ताक भाई, मुश्ताक भाई जल्दी घर चलिए। क्या हुआ? रुबीना भी को किसी ने गोली मार दी। क्या? रुबीना, ए, हटो, हटो, रुबीना, रुबीना। शेख और उनकी बेटी साजिया शेख दोनों डेड ऑन अराइवल थे इंस्पेक्टर। आप पोस्टमार्टम स्टार्ट कीजिए, तब तक हम क्राइम सीन पर होकर आते हैं। शेख, कुछ बता सकते हो क्या हुआ, कैसे हुआ? मेरा पड़ोसी है इम्तियाज, वो दौड़ा दौड़ा आया दुकान पे और मुझे बताया कि रुबीना को किसी ने गोली मार दी। इरशाद मेरा बेटा है, उसने सबसे पहले अपनी मां को देखा। मैडम जी, पड़ोसियों से बात हुई है, पता चला है कि इस घर से धंधा चलता है। लगता तो नहीं कि घर से कोई भी सामान लूटा गया है, जो भी थे माँ बेटी को मारा और चले गए। सर, हमने इरशाद को ठंडा पानी लाने भेजा था और उसके बाद हमने इसकी चीखें सुनी। जोर जोर से अम्मी अम्मी चिल्ला रहा था, फिर हम जब पहुंचे दौड़े दौड़े तो देखा कि इरशाद रो रहा था और रुबीना आंटी
जमीन पर थी। मेरे यहाँ आने तक तो अंदर कोई भी नहीं आया था सर। मैं मेरी बेटी शाजिया को ढूंढने के लिए अंदर गया तो देखा उसे भी गोली मार दी। मुश्ताक, घर से कुछ चोरी हुआ है? पता नहीं सर, मैंने देखा नहीं, मैं तो दुकान पे था। काम कुछ ज्यादा ही आसानी से हो गया। खेल पूरा टाइमिंग है और अपनी टाइमिंग बिल्कुल सटी। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी मिसिंग नहीं है? कुछ भी नहीं सर, विक्टिम का सेल फोन भी नहीं। इसका मतलब उनका मकसद सिर्फ रुबीना शेख और उसकी बेटी शाजिया का कत्ल था। सर ये रुबीना शेख अपनी कोठी से ही कोठा चला रही थी। सर मेरी दो लड़कियों से बात हुई है, एक का नाम आफरीन है और एक का नाम गौहर, और सर दोनों ने कबूल किया है कि वो उस घर में प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी। गौहर, उस पुलिस वाले ने हमारा नाम और नंबर क्यों लिया? इतना मत डर आफरीन, हमने थोड़ी ना कुछ किया है। हमने कुछ नहीं किया, पर डर तो लग रहा है ना। रुबीना भी और शाजिया को इस तरह से मार डाला, अगर अगर अभी हम लोग वक्त पे पहुंचे होते तो हमें भी ऐसे ही मार डालते। हाँ, हमें जसबीर दीदी के पास ही चले जाना चाहिए था। सर दोनों कल सुबह 10 बजे यहाँ हाजिर होंगी। सर मुश्ताक से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन मर्डर की वजह से थोड़ा हिला हुआ है। फैमिली में कोई और है इस बच्चे इरशाद के अलावा? रुबीना शेख की एक बड़ी बेटी है, मेरठ में शादी हुई है, मिनाज नाम है। ये सब कैसे हुआ अब्बू? कुछ समझ में नहीं आ रहा मिनाज बेटा, कौन थे, क्यों गोली मार दी तुम्हारी अम्मी को और शाजिया को? कामरान और मैं कल ही कानपुर आ जाएंगे। आ जा बच्चा, आ जा, बहुत अकेला हो गया हूँ यहाँ पर। इरशाद कैसे अब्बू? सबसे पहले उसी ने अपनी अम्मी की लाश देखी। बस बच्चा जल्दी से आ जाए इधर। हेलो, कौन बोल रहा है? जी फोन आपने किया है। मैं मुनीरगंज थाने से सब इंस्पेक्टर अनिल वर्मा बोल रहा हूँ। जी मैं वाहिदा मलिक बोल रही हूँ, क्या बात है? आज शाम को 5:30 बजे आपको शाजिया के फोन से कोई कॉल आया था क्या? जी जी आया था। बेटा वाहिदा को फोन करके पूछ, मुस्कान और अलविरा क्यों नहीं आई 3 दिन से? अभी फोन करती हूँ। वाहिदा जी क्या आप जानती हैं शाजिया और उसकी माँ रुबीना का मर्डर हुआ है? या अल्लाह, ये क्या बोल रहे हैं आप? वैसे शाजिया ने आपको किस सिलसिले में कॉल किया था? हालचाल पूछने के लिए, पुराने ताल्लुकात हैं हमारे। आप रहती कहाँ हैं? जी मोइनुद्दीन नगर में। क्या हुआ मम्मी? अम्मी बोलो ना। अलवीरा मुस्कान बैठो, रुबीना और शाजिया अब नहीं रहे। क्या? कत्ल हो गया है उनका। सर रुबीना के लगभग सारे कॉल्स उसके कस्टमर को ही किए गए हैं। कोरक धंधा जमकर चल रहा था घर से सर। इस रुबीना की सारी हिस्ट्री निकलवाओ, सबसे पूछताछ करते हैं और देखते हैं कौन कितना बोलता है और कितना छुपाता है। कोई तो है जो दुख और दर्द की आड़ में सुकून पा रहा है इस डबल मर्डर से। अब क्या करना है बोलिए, हथौड़ा हमेशा के लिए गर्म नहीं रहेगा। बहुत गर्म है उदय, थोड़ा ठंडा होने दे। जसबीर दीदी पंछियाँ अभी अभी आजाद हुई है, कभी उड़ सकती हैं, आसमान बहुत बड़ा है। ऐसे कैसे उड़ जाएंगी, इतनी जल्दी पर नहीं आते। तो 4 दिन रुक जाओ, फिर फेंक अपना जाल और खींच ले सारी पंछियों को, प्रॉब्लम क्या है? जैसा आप कहें जसबीर दीदी। खाना लगा दूं? लगा दे। इस डबल मर्डर से कोई कुछ हासिल करने की फिराक में था, इस कत्ल से कुछ लोग शोक मना रहे थे,
तो कोई खुशियां मना रहा था। लेकिन दूसरे दिन रुबीना के इतिहास के चौंकाने वाले पन्ने सामने आए। लेकिन क्या इन पन्नों पर कातिल का नाम और कत्ल का कारण भी लिखा गया था? एक बात समझ में नहीं है सर, पड़ोस में किसी ने भी गोलियों की आवाज नहीं सुनी। सालों से पड़ोसियों ने जो देखा और जो सुना सब बताया हमें। हमने भी कभी कुछ छुपाया नहीं है सर। हाँ, रुबीना धंधा चलाती थी, लेकिन पूरी ईमानदारी से। लड़कियों से धंधा करवाती थी ईमानदारी से? आप खुद उन लड़कियों से पूछ लीजिए ना जो हमारे घर में बैठती थी। किसी के साथ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी साहब, कोई ट्रैफिकिंग का चक्कर वक्कर नहीं था। लिखित में कॉन्ट्रैक्ट होता था, स्टैम्प पेपर पर लिखा होता था कि हम अपनी मर्जी से धंधा कर रहे हैं। शुरुआत यहीं से की थी या कहीं और से? मैडम, हमारे घर की हालत हमेशा खस्ता रहती थी। गरीबी झेलते या जिल्लत, इसीलिए जिल्लत की आदत लगा ली मैडम। हमें किसी ने यहाँ जबरदस्ती नहीं ढकेला, हम खुद से 2 साल से रुबीना अभी के साथ काम कर रहे हैं। ये रुबीना की बेटी शाजिया, ये भी बैठती थी कस्टमर्स के साथ? हाँ मैडम। मीना, रुबीना बी की बड़ी बेटी, वो भी यही करती थी उसकी शादी से पहले तक। रुबीना अपनी बेटियों से भी धंधा करवाती थी? हाँ मैडम, लेकिन कभी कोई ज़बरदस्ती नहीं होती थी, हम सब अपनी मर्जी से यहाँ काम करते थे, मीनाज और शाजिया भी। तुम्हारी रुबीना बी और शाजिया को मारकर किसका फायदा हो सकता है? मैडम, ये हम कैसे बता सकते हैं? हम रुबीना बी के घर 6:30 बजे तक पहुंच जाते थे, 7 बजे से कस्टमर आना शुरू हो जाते थे और सुबह 4 बजे तक हम वहीं काम करते थे। कल हम लोग लेट गए थे तभी ये सब कुछ। कोई कस्टमर था, कोई दलाल, जिसका कभी तुम्हारी रुबीना के साथ अनबन हुई हो या शाजिया के साथ? मालिक, एक तो ये रुबीना शेख कोई छोटी मछली नहीं थी इस कारोबार की, अच्छी खासी छपाई चल रही थी। उसके घर से वो 2 लड़कियां गौहर और अफरीन और उसकी खुद की बेटी शाजिया, ये तीनों मिलकर इतना अच्छा छापती थी? नहीं साहब, 8 साल से धंधा चला रही थी रुबीना शेख। पहले ये घर नहीं था, बकायदा असली वाला कोठा था। 25-30 टॉप की लड़कियाँ धंधा करती थी यहाँ से, बड़े बड़े सेठ लोग आते थे। तो बुरे दिन कैसे आ गए? ये जो रुबीना महल है, इस पर 3 बार रेड पड़ चुकी है। आप ही के थाने के पहले वाले ऑफिसर के पास केस था, कोर्ट से ऑर्डर आया, सील लग गया 2 साल के लिए। तो ये सेकंड डीलिंग कैसे शुरू हुई? कोर्ट में एफिडेविट बनाकर दिया कि गलत धंधा नहीं करेगी घर से, घर वापस मिल गया। तो सबसे पहले अपनी बड़ी वाली बेटी मीनाज को पार्सल कर दिया शादी करके, फिर सेकेंड इनिंग शुरू हुई चुपके से। सिर्फ 3 प्लेयर्स के साथ? और भी हो सकती हैं, थोड़ी फील्डिंग करनी पड़ेगी मुझे मालिक, बताता हूँ आपको। कोई क्यों मर्डर करेगा इनका? मालिक, ये जो उसका पति है मुश्ताक हार्डवेयर वाला, उसको तो घसीट ही लो आप। क्यों? साहब, मामला पैसे का हो सकता है। लाखों रुपए कमाती थी ये रुबीना, लेकिन घर बार सब कुछ उसके नाम पर था, उस मुश्ताक के नाम पर तो कुछ भी नहीं था। मुझे तो शक एक ही शख्स पर है। किस पर? जसबीर कौर। कौन है जसबीर कौर? ये मुश्ताक शेख किसी जसबीर कौर पर ब्लेम डाल रहे हैं। चले उसके सर, ये कांड उसी का किया करा लगता है। सर, इस जसबीर की पूछताछ बनती है। वर्मा, नेहा, अपने सारे खबरियों को दौड़ा, कट्टा इस्तेमाल हुआ है, जरूर किसी न किसी हिस्ट्री शीटर की इन्वॉल्वमेंट रही होगी। वो हाथ आएगा तो मास्टरमाइंड अपने आप हाथ लग जाएगा। क्या सोचा? रेट वही रहेगा हमारा, रुबीना भी वाला, और शेयरिंग भी वही रहेगी। तुम लोग कस्टमर से ज्यादा चार्ज करोगे तो हमारा हिस्सा बढ़ाना पड़ेगा। जो भी टिप विप का रहेगा वो हमारा होगा, तू उसे हाथ भी नहीं लगाएगा। कल तक जो भीगी बिल्लियाँ बनी हुई थी आज म्याँ म्याँ शुरू कर दिया। कुत्तों के बीच बिल्लियाँ ही टिक पाती है, वो भी तेज नाखून वाली। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। तू फ्री में नहीं सोएगा हमारे साथ, हफ्ते में 1 बार भी नहीं। अरे वो सब नहीं है, मेरी शर्त बस इतनी सी है
कि तुम मेरी लड़कियां बनके रहोगी, किसी मैडम मैडम की नहीं। पहले जगह बता और कहां काम करना होगा वो बता, उसके बाद बात करेंगे। जी जसबीर कौर, सोच ही रही थी कि अभी तक आप लोग आए कैसे नहीं पूछताछ करने के लिए। सच कहूं तो रुबीना बी की मौत की खबर सुनकर मैं भी चौंक गई। सुना है एक साल पहले तक तुम पार्टनर थी रुबीना की। सही सुना। तो पहले पार्टनरशिप खत्म की, उसके बाद पार्टनर को। भाईदा, हम दोनों के अरमान हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम इसे मिलकर पूरा करते, यही काम हम पार्टनरशिप में करें। साल पहले मैंने रुबीना बी के साथ पार्टनरशिप शुरू की थी मैडम, 10% कमीशन था मेरा, अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। देख जसबीर, तू खुद धंधा करती और मैं नहीं करती, मैं बिजनेस करती हूँ, मुझे काम आता है, मेरे पास लड़कियां हैं, लेकिन तू इस धंधे में क्या करेगी? रुबीना बी, अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे धंधा करना नहीं आता, दर्जनों लड़कियां लाके खड़ा कर सकती हूँ जो यहाँ से धंधा करे। तो फिर ठीक है, तू लड़कियां लेके आ, कमीशन की बात अपन करते हैं। ठीक है, कल ही खड़ा कर देती हूँ। लेकिन एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मेरे यहाँ पे जबरदस्ती वाली बेची गई भगाई गई लड़कियां कदम भी नहीं रख सकती। छी छी रुबीना भी, सवाल ही नहीं उठता। कोई मार पिटाई नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से हंसते खेलते धंधा करेंगी सब। 3 साल सब कुछ ठीक चला, धंधा भी बहुत बढ़ गया था, उसकी लड़कियां मेरी लड़कियां काफी नोट बटोर रही थी। फिर तुम्हारी पार्टनरशिप टूटी, क्यों? क्योंकि रुबीना भी मुझे पार्टनर समझती नहीं थी। 3 साल में उन्होंने 5% भी नहीं बढ़ाया और मुझे 25% चाहिए थे। तो तुम अलग हुई? जी, अपनी लड़कियों को लेकर जिन्हें मैं लेकर आई थी। और अब तुझे बाकी की लड़कियां भी चाहिए थी जो तू नहीं लाई थी। इस धंधे में ना सब कुछ ऐसा ही चलता है, यहाँ से तोड़ो वहां से जोड़ो, हरदम यही सब चलता है। इस बिजनेस में लड़कियों की डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा है। बातें तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे बहुत जायज और नेक काम कर रही हो। क्या करें साहब, जो है सो है। हम अपना जिस्म बेचकर रोटी कपड़ा मकान और थोड़ा सा मक्खन बटोर लेते हैं, किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ते। दो लोगों की जाने गई है जसबीर, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर किसका लेना देना है? उससे पूछे जिसने मेरा नाम लिया है, मुश्ताक ने। मुश्ताक ने क्यों लिया तुम्हारा नाम? क्योंकि सबसे ज्यादा शक मुझ पर जाता है। पार्टनरशिप किसने तोड़ी? मैंने। लड़कियों को किसने तोड़ा? मैंने। ग्राहकों को किसने तोड़ा? मैंने। तो विलन कौन हुआ? मैं। तो मुश्ताक अपनी ही बेटी और अपनी ही बीवी को क्यों मारेगा? कैसी बीवी और कैसी बेटी? जो अपनी बीवी की कमाई खाता है वो अपनी अम्मा को भी बेच के खा जाएगा, तो उसमें उसका क्या फायदा? रुबीना के मरने के बाद सब कुछ उसका है। सब मैंने मैंने कत्ल करवाया, मैं ऐसा क्यों करूंगा साहब? मेरी पत्नी, तेरी अपनी पत्नी जिसने अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी तेरे नाम नहीं की। ये झूठ है साहब, रुबीना का सारा पैसा उसी के नाम पर था, क्योंकि मैं ऐसा चाहता था। सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम कि मेरे अब्बू ऐसा कुछ करेंगे। सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे मिनाज, किसने मारा होगा तुम्हारी छोटी बहन और तुम्हारी अम्मी को? मैं कैसे बता सकती हूँ मैडम, मैं तो यहाँ थी नहीं। चलो मान लिया तुझे उसके पैसे नहीं चाहिए थे, तो फिर ऐसा क्या था मुश्ताक जिसकी वजह से तुझे इतना गुस्सा है? उसने तेरी बेटियों को धंधे पे लगा दिए थे इसलिए? अरे नहीं साहब, पहले तो आपके कान किसी ने गलत बात से भर दिए। वो तीनों बच्चे मिनास, शाजी और इरशाद, वो तीनों मेरे बच्चे नहीं है, रुबीना के पहले पति के। पहला पति कौन था वो? 10 साल पहले हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया था मैडम। कैसे? एक्सीडेंट। देख मिनास, तेरी अम्मी नहीं रही, तेरी छोटी बहन नहीं रही, तो अब तू हमारे साथ कोऑपरेट कर और ये बता कि तुझे जबरदस्ती डाला गया इस धंधे में? बिल्कुल नहीं मैडम, मैं और शाजिया तो बचपन से अम्मी और बाकी औरतों को देख देख कर बड़ी हुई हैं,
हमारे लिए आम बात थी। अम्मी या अब्बू किसी ने भी हमसे एक बार भी नहीं बोला कि ये धंधा करो। तो तुमने छोड़ क्यों दिया? शादी कर ली ना मैडम, उसके बाद ये सब नहीं करना था। तो मुश्ताक ने तुम्हारी अम्मी को जबरदस्ती ढकेला था इस धंधे में? नहीं नहीं, वो तो अम्मी से बहुत प्यार करते थे, हमारा भी ख्याल रखते थे। हाँ, उन्होंने ये दुनिया जरूर दिखाई थी, लेकिन अम्मी का खुद का फैसला था इस धंधे में उतरने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पैसा कमाना आसान है। कॉन्ट्रैक्टर लोगों के लिए लड़कियों का इंतजाम करता था मैं किसी जमाने में, ये सच है। जिनके यहां माल मेरी दुकान से जाता था ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, फिर इश्क हो गया, रूबीना से शादी कर ली ताकि जिंदगी भर उसकी कमाई खा सके। अरे नहीं साहब, मैंने उससे कहा था कि ये धंधा करते हैं, इसमें पैसा है, वो मान गई। कस्टमर मैं लेकर आता था, वो धंधा चलाती थी, जिसमें से एक भी पैसा उसने तेरे नाम नहीं किया। रे साहब, मैं खुद चाहता था कि पैसा उसके नाम पर रहे। क्यों? क्योंकि वो खुश रहे, उसे ऐसा नहीं लगे कि उसकी कमाई को छीन रहा। बहुत प्यार करता था उससे साहब मैं। तो फिर उसे मारा कि मुश्ताक? भला मैं क्यों मारूंगा उसे? शाजिया, इरशाद, मिनास, इन तीनों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता हूं मैं, फिर उनकी अम्मी को क्यों मरवाऊंगा साहब? जरूर आपको जसबीर ने भड़काया होगा, अपने आप को बचा रही है साहब, वो एक नंबर की शातिर औरत है वो। अलविरा और मुस्कान हमारे साथ रहेंगी, हम सब मिलकर धंधा चलाएंगे। तू और लड़कियों का बंदोबस्त कर, तुझे तेरा कमीशन मिल जाएगा। वारी ना, मैं तुझे अलविरा मुस्कान के साथ अपनी डील के बारे में बता रहा हूँ और तू अपनी दुकान अलग से खोलने पर लगी हुई है। ऐसा है ना उदय, तू ठहरा साला मर्जाल, अगले 20 साल बाद भी ना हम औरतों की दलाली खाता रहेगा, लेकिन इस धंधे में साली हम औरतों की ना एक्सपायरी डेट होती है। क्या समझा? हाँ हाँ, सब समझा। चल सोच के बबताता हूँ। पक्का? हाँ 100%। एक लड़की ने मुझे बताया है। एहसान फरामोशी की हद तो देखो, थोड़ी सी बेड़िया क्या खोली, सबके पर निकल आए। अवैध गोरख धंधा इस तरह चलाया जा रहा था जैसे कोई जायज बिजनेस हो। असल अजीब बात थी, खुद की बेटियां भी यही धंधा कर रही थी, वो भी सब अपनी मर्जी से, और ये दोनों लड़कियां भी, गौहर और आफरीन। सवाल ये उठता है कि मर्डर किसकी मर्जी से हुआ है और क्यों? ये सारे मिले हुए हो सकते हैं सर। इस रूबीना की काफी प्रॉपर्टीज हैं, गहने हैं, ब्लैक का पैसा है जैसे वो मार्केट में चला रही थी। मुश्ताक को शायद ये सारी दौलत चाहिए थी और जसबीर को भी, कहीं दोनों मिलकर हमें गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? सर बड़ी बेटी मीनाज भी तो है। मीनाज, मुश्ताक, जसबीर, ये सब मिले हुए हो सकते हैं सर रूबीना की दौलत को हासिल करने के लिए। हो सकता है, लेकिन जिसने भी इस मर्डर की सुपारी ली है वो कोई पेशेवर हिस्ट्री शीटर होंगे या होगा। इतनी परफेक्शन के साथ शाम के टाइम आना, शोरगुल के बीच में चुपचाप एक एक गोली माँ बेटी को दागना और आराम से निकल जाना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर ये कोई पेशेवर हिस्ट्री शीटर हैं तो इनकी कोई हिस्ट्री निकल क्यों नहीं रही? कोई भी खबरी अभी तक कोई ढंग की खबर क्यों नहीं ला पाया? कौन है ये हत्यारा या हत्यारे? इतना क्या सोच रही वाहिदा, यहीं से शुरू कर सकते हैं हम अपना धंधा। पर हिना यहाँ से कैसे? कैसे नहीं, रूबीना बी ने भी तो ऐसी छोटी सी जगह से ही शुरुआत की थी ना, महल फहल तो बाद में आए। और देख इसे, ये मुस्कान, अलविरा, सोने की मुर्गियां हैं हमारी, और भी कई चिड़िया आ जाएगी। ठीक है तो यहीं से शुरू करते हैं। दिन ब दिन ये केस पेचीदा होता जा रहा था। ये डबल मर्डर फ्लैश ट्रेड की दुनिया में हुआ था, जहां इस व्यवसाय में शामिल सभी लोग बड़े ढीठ अंदाज में अपना कारोबार चला रहे थे, डंके की चोट पर। लेकिन फिलहाल इस कत्ल का मकसद और कातिलों की पहचान दोनों पुलिस के रडार के बाहर थे। बस एक बाय चांस नजर में आई बात ने पुलिस को इस केस के चक्रव्यूह में पहला दाखिला दिया। हाँ मालिक, जब से इस रूबीना शेख का कत्ल हुआ है बहुत अफरा तफरी मच गई है। कैसी अफरा तफरी और कहां? दलालों के बाजार में। एकदम ठीक पकड़े हैं मालिक, एक दल्ला है जो जसबीर कौर के लिए काम करता है। बंदा काफी फुदक रहा है, रूबीना बी की लड़कियों को खींचा जा रहा है,
गेम खेला जा रहा है कोई जबरदस्त। नाम बोल दो इसका। उदय। उदय नाम है बंदे का। तस्वीर के लिए काम करता है? जी मालिक, और उससे पहले रुबीना के लिए लड़कियां अरेंज करता था। नैनी साहब, मेरा कोई खुद का कोठा उठा नहीं है, मैं तो बस वो रुबीना बी की लड़कियां फ्री हो गई थी तो दूसरी जगह लगा दिया। रुबीना शेख की लड़कियां फ्री हुई थी या फ्री कराई गई थी? क्या मतलब साहब? तुम्हारी लाइन में कभी कोई लड़की फ्री होती है? एक पिंजरे से निकली तो दूसरे पिंजरे में दाखिल। किसने मरवाया रुबीना शेख को? सब मुझे नहीं मालूम साहब। तो तुम दोनों को सब कुछ मालूम है? आफरीन गौहर, उस दिन तुम लोग लेट इसलिए पहुंचे क्योंकि तुम्हें लेट पहुंचने के लिए बोला गया। किसने कहा था लेट पहुंचने के लिए? नहीं मैडम, हम सच में लेट हो गए थे। हमारा इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। मेरा हाथ क्यों होगा साहब? मैं तो छोटा सा दल्ला हूँ, खूनी नहीं। तो फिर खूनी कौन है? किसने मरवाया रुबीना शेख को? मुझे क्या मालूम साहब, मैं इन बड़े लोगों के झगड़ों में नहीं पड़ता। झगड़ा मतलब बिजनेस वाला झगड़ा था मैडम, जसबीर दीदी और रुबीना बी के बीच। तुम दोनों को लेकर? जी हाँ मैडम, जसबीर दीदी हम दोनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। इस तरह रुबीना शेख को ख़त्म करके? नहीं नहीं मैडम, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे। मैडम रुबीना भी रही नहीं तो हम लोगों ने उदय से बात की, क्योंकि मैडम हमें काम की सख्त ज़रूरत है। तब वो आफरीन और गौर फ्री हो गई थी, इससे पहले कोई और झपट्टा मारता मैंने उन दोनों के साथ डील कर ली। कोई और झपट्टा? कौन कोई और? बोल। साहब अब मौका देख के कौन चौका नहीं मारना चाहता है? और वो दोनों लड़कियों की अम्मा भी तो सब अपना खुद का कुछ शुरू करने का प्लान कर रही है। कौन दोनों लड़कियां? साहब वो है ना अलवीरा और मुस्कान, उसकी अम्मा वहीदा और उसकी सहेली हिना, वो दोनों मिलके अपना खुद का कोटा शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। कौन वहीदा? वहीदा मलिक? जी सर। वो मोइनुद्दीन नगर वाली? हाँ वही। सर इस वहीदा से मैं बात कर चुका हूँ, शाजिया के फोन से लास्ट कॉल उसी को गया था। इस वहीदा की दोनों बेटियां अलवीरा और मुस्कान, ये रुबीना मेल से ऑपरेट करती थी? हाँ सब, वो दोनों उधर ही बैठती थी और मैं उन दोनों के लिए सेटिंग करता था। दलाली? हाँ सब दलाली। अलवीरा और मुस्कान भी हमारे साथ काम करती थी रुबीना महल में। लेकिन मैडम मर्डर के 4-5 दिन पहले से उन्होंने काम पे आना बंद कर दिया था। सही, इस अलवीरा और मुस्कान को उठाते हैं, उन्होंने 4-5 दिन पहले ही रुबीना महल जाना छोड़ दिया था। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि कुछ होने वाला है। नेहा एक काम करो, इस वाहिदा के घर जाओ और अलवीरा और मुस्कान से बात करो। और वर्मा मुझे इस वाहिदा और हिना की पूरी बैक स्टोरी चाहिए। इस जिस्म फरोशी की नौटंकी में ये 4 नए किरदार दाखिल हुए हैं, देखते हैं क्या रोल है इनका। मैडम ये वहाँ जाती थी पर ऐसे ही, मैं जानती थी ना रुबीना और शाजिया को। वाहिदा मलिक ये बात मुझे अलवीरा और मुस्कान से सुननी है। अरे ये क्या बताएंगी, इन्हें क्या पता वहाँ खून होने वाला है, ये तो बच्चियाँ हैं। दोनों से धंधा करवाती हो, अपना कोठा शुरू करने वाली थी। वाहिदा ये कुछ बोल नहीं रही है पर कह काफी कुछ रही है। क्या मतलब? जबरदस्ती होती थी तुम्हारे साथ अलवीरा? मुस्कान नहीं नहीं मैडम, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। हिना कौन है? क्यों? मैंने पूछा हिना कौन है। मेरी सहेली है। ये हिना आप लोगों के रडार में कैसे आ गई मालिक? ये हिना चीज क्या है जावेद? बहुत ही पहुंची हुई चीज है। स्टोरी बता इसकी। टॉप की वैश्या हुआ करती थी हिना, फिर अपने ही ग्राहक के इश्क में पड़ गई, शादी भी हो गई। किसके साथ? एक ट्रेवल की गाड़ी चलाता है, कादिर कुरैशी नाम है। इसकी भी बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है। सुना सर, मुझे लगता है वाहिदा का इन सब चीजों में कोई ना कोई कनेक्शन है, उठा लेना चाहिए इसे। क्यों लगता है कोई कनेक्शन है? सर वाहिदा की दोनों लड़कियां अलवीरा और मुस्कान, सर दोनों के हाथ पे मार के निशान है, लगता है दोनों के साथ जबरदस्ती की जा रही थी। और सर ये उदय भी कह रहा था कि वाहिदा और उसकी सहेली हिना ये दोनों पार्टनरशिप करने पे तुले हुए हैं। वाहिदा और दोनों लड़कियों से अलग अलग क्वेश्चनिंग करेंगे, तीनों को थाने ले आओ। ये हिना का पति कादिर कुरैशी हिस्ट्री शीटर है। अच्छा
चार्ज क्या था? अपनी पहली पत्नी का मर्डर, 7 साल जेल काट चुका है बंदा। सुनिए, मेरी बच्चियों को जाने दीजिए। आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, जो सवाल करना है मुझसे करिए, पर मेरी बच्चियों को जाने दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया है। बेटा अलवीरा, मुस्कान, देखो हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी जानती हो सच सच बोलो। मालूम था तुम्हें रुबीना और शाजिया का कत्ल होने वाला है? नहीं सर, हमें नहीं पता। क्या तुम दोनों को पता था कि तुम्हारी अम्मी वाहिदा और उसकी सहेली हीना ये अपना खुद का कोठा शुरू करने वाली थी? और क्या यही कारण था कि उन्होंने रुबीना को मरवा दिया? सर, ये जो औरत है वाहिदा, जो बाहर बैठी है। हाँ, ये दोनों बेटियां उसकी, अलवीरा और मुस्कान। सर, इस वाहिदा की सहेली हीना, उसका पति कादिर पुराना हिस्ट्री शीटर है। वो अपनी पहली पत्नी के कत्ल में 7 साल जेल में काट चुका है। देखो अलवीरा, मुस्कान, अब भी वक्त, सच सच बोलो अगर कुछ जानती हो तो। सर, सच में हमें कुछ नहीं पता है। बेटा, तुम्हारे हाथ पे मार के निशान कैसे हैं? किसी ने मारा? तुम लोगों से जबरदस्ती धंधा कराया जा रहा था या फिर चुप रहने के लिए मारा गया? तुम दोनों बालिग हो लेकिन अभी भी बच्चियां हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ ये कभी होना नहीं चाहिए था, और यकीन मानो आज के बाद कभी नहीं होगा। लेकिन प्लीज हमें ये बताओ कि तुम्हारे हाथों पर ये निशान कैसे आए? अब्बू ने मारा है हमें। वो रुबीना भी और शाजिया के कत्ल के 5 दिन पहले उन्होंने हमें वहां जाने से रोका और खूब मारा। कौन है तुम्हारे अब्बू और क्यों मारा उन्होंने तुम्हें? वो हमारे सौतेले अब्बू हैं, कादिर कुरैशी। क्या, कादिर कुरैशी? जी। वो तो हिना का पति है। जी साहब, कैसे आना हुआ? अब तू अपना नया धंधा जमा नहीं पाएगा कादिर, क्योंकि तेरे धंधे पर कानून हावी होने वाला है। और हाँ, हिना को भी बुला ले, उसका भी बराबर का हिस्सा है ना तेरे धंधे में। जो समझा जा रहा था दरअसल वैसा था नहीं। इस डबल मर्डर के पीछे का मोटिव कुछ ऐसा निकला जिसने सबके होश उड़ा दिए। और सबसे चौंकाने वाली बात थी उन तमाम लोगों की कहानियां जो इस अमानवीय फ्लैश ट्रेड के दलदल में फंसे हुए थे। तुम दोनों को पता था कि ये मर्डर होने वाला है? जी नहीं मैडम। मैडम जी, हमारी पार्टनरशिप की बात तो रुबीना के कत्ल के बाद हुई थी, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता सच में। और हमारा इन सब से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। और कादिर को तो आप इस सब में ना ही लाइए, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। हैरत की बात तो ये है कि इस गलत धंधे में तुम लोग गले तक डूबे हुए हो और सही गलत की बात इतनी आसानी से करते हो। देखिए मैडम जी, कादिर ने कत्ल नहीं किया। उसने अकेले नहीं किया होगा, तुम सबने साथ दिया उसका। क्या खेल खेलता है कादिर? पहली बीवी को मार डाला, उसके बाद वाहिदा से शादी की, फिर हिना से। इस गोरख धंधे का पुराना चावल मालूम होता है तू? बस पुराने चावल की तरह उबलने में देर मत लगाना कादिर, क्योंकि हम तुझे निथारेंगे नहीं, पहले उबालेंगे फिर गलाएंगे, उसके बाद तेरी खिचड़ी बनाएंगे। मेरी पहली बीवी के साथ मेरा झगड़ा था वाहिदा को लेकर, क्योंकि मैं उससे इश्क करता था, इसलिए गर्मा गर्मी में हाथ चल गया और वो मारी गई, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन इस जिस्म फरोशे के धंधे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही कभी वाहिदा का था। मर्द की जात एक जैसी होती है मैडम जी। मेरे पहले शौहर ने किसी दूसरे के लिए मुझे छोड़ दिया, फिर ये कादिर आया मेरी जिंदगी में, और थोड़े टाइम बाद वो भी हिना के प्यार में पड़ गया। अलवीरा और मुस्कान तुम्हारे पहले पति से हैं? हाँ मैडम जी, मुझे तो इस धंधे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये रास्ता तो मुझे हिना ने दिखाया था। साहब, मैं कभी कभार बैठता था हिना के साथ, पर कभी इश्क हुआ कुछ पता ही नहीं चला।
और मैंने उसके सामने शादी के लिए एक शर्त रखी कि वो धंधा नहीं करेगी। जी, और मैं कोई दल्ला वल्ला नहीं हूं साहब, टैक्सी चलाता हूं। और आपको क्या लगता है कि मैं खुद अपनी बेटियों अलविरा और मुस्कान को इस लाइन में आने देता? सौतेली बेटियां कादिर, उन बच्चों के हाथों के निशान साफ बताते हैं कि तू उन्हें मार मार कर जबरदस्ती इस धंधे पे भेजता था। बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें इसलिए नहीं मारता था कि वो धंधा करें, बल्कि इसलिए मारता था कि उन्हें ये धंधा करने से रोक सकूं। आज के बाद अलविरा और मुस्कान पर डोरे नहीं डालेगी तू। और एक बात अपने घटिया दिमाग से निकाल दे कि लड़की अगर किसी के साथ बैठ गई उसके बाद आदत बन जाती है, अब वो ये धंधा नहीं करेंगे। निकाल लिया है मैंने उन्हें। तुम ऐसा नहीं कर सकते कादिर, क्योंकि तुम धंधे में से लड़की को तो निकाल सकते हो लेकिन लड़की में से धंधे को नहीं। और जब वाहिदा को कोई तकलीफ नहीं हो रही तो तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? बेहया औरत, तुझे उस गंदी नाली से निकाल कर शरीफों के बीच लाया, लेकिन तू बनी ही वहां के लिए है। गंदी नाली से कमाया हुआ है शराफत से, पैसा और सिर्फ पैसा बोलता है। जाकर देखो उस रूबीना शेख को कहां से कहां पहुंच गई। अरे दोजख में है वो रूबीना, और मेरी बच्चियां मेरे जीते जी उस दोजख में कदम नहीं रखेंगी, समझी तू? रोक कर दिखा, अपनी मर्जी से धंधा करने वाली लड़की ना किसी के बाप की नहीं सुनती। हाँ, तुम तो वैसे भी सौतेले बाप हो। हिना की बात सच निकले, नहीं रोक पाया मैं अलविरा और मुस्कान को इस धंधे में जाने से। कादिर मियां, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। मैं अलविरा और मुस्कान की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तो कह दो ना उनसे कि ना आए, मैंने कोई दावत पे थोड़े बुलाया है। और वैसे भी वहीदा और हिना ही उन्हें यहाँ लेके आई थी। तुम्हें ऐसे बच्चियों से धंधा नहीं करवाना चाहिए रूबीना भी। कादिर, अपनी औकात में रहो, मेरा धंधा मुझे कैसे चलाना है तुम मुझे सिखाओगे? अरे मेरे यहाँ पे धंधा सीधे और साफ तरीके से होता है, कोई गंदगी और जबरदस्ती नहीं है। और नसीहत देने का इतना ही शौक है ना, तो जाके अपने दोनों बीवियों को चुप कराओ पहले, तब हो सकता है तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हारी बात सुने। लेकिन मैं नहीं, मैं ना तुम्हारी छोड़ी हुई बीवी हूं और ना तुम्हारी सौतेली बेटी। कादिर भाई, कब तक ऐसे मुलट काके जियोगे? समझ नहीं पा रहा यार माजिद, कैसे समझाऊं बच्चियों को, कैसे काबू में रखूं ये हिना और वहीदा को? बीड़ियां लगा तो नहीं सकते पर बीड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ तो सकते। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वो बेड़ी रूबीना थी और मैंने उन बेड़ियों को ही तोड़ डाला। तूने रूबीना शेख को मार डाला जान से। जी हाँ। कौन है, कौन है ये? कादिर, कादिर क्या है ये सब? अपना कोई दावत होगी ना महफिल सजेगी, बचा रहा हूं अपनी बच्चियों को। बच्ची को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझे तो उसका नाम तक मालूम नहीं था, पर ये जरूरी था ताकि वो गवाही ना दे सके। कादिर शेख, तूने अपनी बच्चियों को बचाने के लिए एक औरत और उसकी बेटी को मार डाला, वो भी इतने आराम से? और क्या करता साहब, 101 चीजें कर सकता था कत्ल करने के अलावा। वाहिदा, हिना और रूबीना की शिकायत कर सकता था पुलिस में। एक हिस्ट्री शीटर की शिकायत की फिक्र कौन करता है साहब? गरीब मासूम बच्चों की फिक्र कौन करता है? और सच बताइए, क्या इन गोरख धंधों के बारे में आपको कुछ नहीं पता? इन दल्लों और इन मैडमों के बारे में जो ये धंधा चला रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता? ये सब छुपकर चलाया जाता है, कितना छुपकर और कितना बताकर, इसके बारे में आप बेहतर बता सकते हैं साहब। कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से रूबीना महल एक बार फिर से सील हो चुका है। इस धंधे से जुड़े हर किसी की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही है। इस कांड से जुड़े सभी लोग अब पेट पालने के लिए दूसरे तरीके अपना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अबे, थोड़े दिन चुपचाप पड़ा रहना शांति से, इस वक्त पुलिस की नाक कुछ ज्यादा ही सूंघ रही है। थोड़े दिन बाद बात करूंगी, रख फोन अभी। कादिर कुरैशी और माजिद इब्राहिम को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए गिरफ्तार किया गया है।
अवैध दिशा में की गई मेहनत फल भी अवैध ही देती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अवैध फल इंसान को ऐसी बेड़ियों में जकड़ लेता है जो उसे नाखुशी की आंधी में लपेट लेती है। इन बेड़ियों को या तो कानून तोड़ता है और मुजरिम पर जेल की बेड़ियां लगा देता है, या फिर उस इंसान को अंदरूनी एहसास होता है कि इन बेड़ियों को उसे खुद ही तोड़ना पड़ेगा। कादिर ने बचाव में यह तो कह दिया कि सारा सिस्टम वेश्यावृत्ति को नजरअंदाज करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ कानून का दरवाजा खटखटाना ही है। पर जो कदम कादिर ने उठाया उस वजह से उस पर कानूनी बेड़ियां लगनी ही थी। पूरा रोकड़ा दोगे? चलेगा ना? हाँ चलेगा। कोई मुझे दही नहीं पसंद। आरती एग्जाम में अच्छे नंबर पसंद है ना? ये आई अब तो ही खाने से आ जाएंगे। कब कब हर चीज में उल्टे सवाल करती है ये ना कोई मुझे लेट हो रहा है। फिर बाबा तुझे छोड़ देंगे। नको मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूं। गाइस ठीक है अच्छे से लिखना। मनीषी ये तो गो आहो जरा हेमंत से बात कीजिए ना, ये एसी तीसरी बार खराब हो गया है। लगता है इस एसी का ना अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। मैं हेमंत को बोल देता हूं कि इसे भंगार में बेच के नया लगवा दे। मनोज चल मेरे साथ चल। अरे दुकान में चल कुछ सीखेगा। बाबा मैं दोपहर को आता हूँ डब्बा लेकर। संतोष वो रजिस्ट्रेशन के पेपर रेडी है? कब के रेडी है? मनीषा वहीनी से जाके ले लेना और रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके जमा करना। और वो रजिस्ट्रार के लिए कुछ मिठाई का डब्बा? अंधारे साहब से मैं बात कर लूंगा, तू तैसे टेंशन घे नको। ठीक है बाबा। राम राम भाऊ। नमस्कार भाऊ।
बनाओ कागजात। हो ही नहीं, यही है। आई इसी के लिए किसी को बुलाया था तूने? हाँ, हेमंत आने वाला था, उन्होंने दो आदमी भेजे। हेमंत आने वाला था, वो क्यों नहीं आया? ताई, हेमंत दादा को अर्जेंट में एक साइड पे जाना पड़ा, हम उनके वर्कशॉप में काम करते हैं। अच्छा ठीक है, एसी उस बेडरूम में है, जाकर देख लो। अरे मनोज, घर में दूध खत्म हो गया है बेटा, ले आना। कितना लाऊं? एक लीटर। ये मेरी भाभी है मनीषा वैनी, मेरे बड़े भाई रामनाथ काले की पत्नी। आपकी बीवी मर चुकी है। पता है, किसी ने फोन किया था। सर, अलमारी विलमारी तो जैसे कि वैसे ही है, कोई चोरी तो नजर नहीं आ रही यहां पे। मेरा बेटा मनोज हॉस्पिटल में है, कातिलों ने उस पर भी हमला किया है। छोटे बड़े पकड़कर 10 टांके लगे हैं, बट नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। बात कर सकती हूँ उससे? थोड़ा रुक जाइए, बहुत रो रहा है, शॉक में है इस वक्त। वहीं से कागजात लेकर मैं निकल रहा था, तब वो दोनों बाहर हॉल में ही थे। हेमंत खुद आने के बजाय उसने एसी ठीक करवाने के लिए दो आदमी भेजे थे। ये बात तो हमें आपके छोटे भाई संतोष ने बताई है। अंदर के कमरे में मैं वहीनी से कागजात ले रहा था, तो मनोज आया, बोला दो आदमी आए बाहर, कह रहे कि हेमंत ने भेजा। फिर मैं घर चला गया। 10-1 मिनट बाद मैंने मनोज की चीखें सुनी। मैं बाहर आया, देखा मनोज घायल हो गया, खून बह रहा था। मैं अंदर आया, किसी चोरी या लूट की कोशिश भी नहीं हुई, एसी को टच भी नहीं किया उन्होंने। इसी कमरे का एसी था ना? हाँ, हमारा बेडरूम। रामनाथ जी, मुझे इस एसी वाले हेमंत का नंबर और एड्रेस चाहिए। सर, मनोज काड़े शौक में है, उसे सेडेट किया गया है। एक कांस्टेबल वार्ड के बाहर लगा दो, बच्चे ने कातिलों के चेहरे देखे हुए, वो लोग उसे रास्ते से हटाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके सर। सर, ना ही कोई चोरी हुई ना लूटपाट, सिर्फ मर्डर। मनोज की मां मनीषा का मर्डर और मनोज पर हमला हुआ है। लगता है दोनों कातिल मर्डर करने के इरादे से ही आए थे। और काय बोलते हैं साहब, मेरे यहां से दो लोग गए थे एसी रिपेयर करने, रामनाथ भाऊ के घर पे। उन दोनों ने बताया था कि वो दोनों तुम्हारे वर्कशॉप से आए। लेकिन साहब, रामनाथ भाऊ का काम हमेशा मैं खुद ही करता हूँ, तो मैं किसी और को क्यों भेजूंगा? और मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उनका एसी खराब हुआ है। मतलब रामनाथ काड़े के घर से तुम्हें कोई फोन आया ही नहीं था? नहीं साहब, मुझे कोई फोन नहीं आया एसी रिपेयर को लेकर। आई कुठे आई? तेरी आई मर गई। नहीं, नहीं। तेरी आई को किसी ने मार डाला। नहीं बाबा, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने मानती, मुझे आई को देखते मुझे आई से मिल रहा बाबा। भाई, आई किधर है बाबा? बाबा, गले पर वार इतनी जोर से हुआ था कि लगभग सारी नसें कट गई। ब्लीडिंग काफी हुई होगी और शायद विक्टिम चिल्लाई भी नहीं होगी, क्योंकि आस पड़ोस में किसी ने चीखे नहीं सुनी। इंस्टेंट मौत हो जाती है अक्सर। वैसे विक्टिम का बेटा कैसा है? आउट ऑफ डेंजर,
अब वार्ड में शिफ्ट किया है उसे। पर अजीब बात यह है कि घर से एक पैसा भी चोरी नहीं हुआ है। सर एक और अजीब बात हुई है, वो एसी रिपेयर करने वाला हेमंत कह रहा था कि उसने रामनाथ काड़े के घर किसी को भेजा ही नहीं था। वो तो ये भी कह रहा था कि उसे मालूम ही नहीं था कि रामनाथ काड़े के एसी में कोई प्रॉब्लम हुई है। ये कैसे हो सकता है राणे? मैडम मेरी आई ठीक है ना? कहा है मेरी आई? बोलिए ना मैडम, कहा है मेरी आई? वो ठीक है ना? मनोज तुम्हारी आई नहीं रही। आई आई देखो हिम्मत रखो और हमें बताओ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ? मेरी पर मैंने कब कहा कि मैंने हेमंत को फोन किया था इसे रिपेयर करने के लिए? तो हेमंत ने अपने आप से दो लोगों को भेजा? मुझे नहीं पता, आप हेमंत से क्यों नहीं पूछते? सर हेमंत को बुलाया, 5 मिनट में पहुंचे गया। तुम्हारे बोले बगैर तुम्हारा एसी मैकेनिक हेमंत तुम्हारे घर पर दो लोगों को क्यों भेजेगा? साहब मैं बोल लो ना, तेला बेचारा। वो दो लोग तुम्हारे घर पर आए, तुम्हारे बीवी का कत्ल किया, बेटे की जान लेने की कोशिश की, पर घर से 1 रुपया भी नहीं चुराया। क्यों मारा होगा तुम्हारी बीवी को? मुझे पता होता तो ऐसा होने देता मैं। साहब कुछ तो बड़ा झोल है इसमें। मतलब? साहब मैं वहां पे था, कागजात पढ़ रहा था, तभी मनोज वहां पे आया और कहने लगा वहीनी से कि हेमंत ने 2 आदमियों को भेजा है एसी रिपेयर करने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि कौन हो, क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें हेमंत भाई ने भेजा। हेमंत भाई ने भेजा तुम दोनों को? हाँ, हेमंत भाई बोले बेडरूम का एसी है, इसीलिए मैं उन्हें अंदर ले गया। आई एसी के लिए किसी को बुलाया था तूने? हाँ हेमंत आने वाला था। फिर आई ने भी उनसे पूछा हेमंत आने वाला था, वो क्यों नहीं आया? ताई हेमंत दादा को अर्जेंट में एक साइट पे जाना पड़ा, हम उनके वर्कशॉप में काम करते हैं। पक्का तुमने उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था? नहीं मैडम, कभी नहीं देखा। क्या तुम उनका हुलिया बता पाओगे हमारे स्केच आर्टिस्ट को? ट्राई करूंगा मैडम, मैंने उन्हें देखा तो था लेकिन अब सब धुंधला लग रहा है। मैंने भी ठीक से ध्यान नहीं दिया, बस एक नजर पड़ी उन दोनों पर। फिर भी जितना याद आए बताते जाना, काम आएगा हमारे। हे गाइस है, ये मेरे साथ गुनेगार के जैसा सुलूक क्यों कर रहे हो, और वो भी इस लॉकअप में? क्योंकि एक संगीन जुर्म हुआ है, कत्ल, और कातिलों ने तुम्हारा नाम लिया है। मैंने अपने सारे टेक्नीशियंस को आई कार्ड दिया हुआ है और वो सब आई कार्ड का कॉपी मैंने आपके वो राणे साहब के पास सबमिट किया हुआ है। मैंने रामनाथ भाऊ के घर किसी को नहीं भेजा। नहीं, इनमें से तो कोई नहीं लग रहा है। फिर से देखो ध्यान से। नहीं मैडम। बाइक का नंबर याद है? नहीं मैडम, बाइक बाहर पार्क थी और मुझे थोड़ी पता था वो ऐसा कुछ कर देंगे। क्या कभी उन लोगों ने एक दूसरे को नाम से बुलाया था? नहीं मैडम, मतलब मुझे याद नहीं, मैंने सुना नहीं था, मुझे बस वो आई वो पड़ी हुई थी, मुझे आई से एक बार मिलना है मैडम। रामनाथ भाऊ के घर के सारे एसी मैंने ही बिठाए हैं और उसका मेंटेनेंस मैं खुद करता हूं, दूसरे किसी को नहीं भेजता, तो इस बार क्यों भेजता? और माला फोनच नहीं आला कोणाचा, तो मेरे क्या सपने में आएगा क्या? सर ये प्लान मर्डर लग रहा है। मनीषा काले ने अपने पति रामनाथ को बेडरूम का एसी ठीक कराने को बोला था और इस बात को आड़ में रखकर 2 हत्यारों को भेज दिया गया। मर्डर के अलावा उन दोनों ने किसी चीज को छुआ तक नहीं, लगता है अटैक का मकसद ही था मनीषा का मर्डर। मनीषा ने मनोज को दूध लेने भेजा, ये एक इत्तेफाक था, चांस था, वरना ये 2 हत्यारे मनोज का भी कत्ल कर देते शायद। ये रामनाथ काले, इसकी शक्ल से व्यवहार से ऐसा लगता नहीं है कि अपनी बीवी के मर्डर का इसे दुख हुआ है। सर मैंने आसपास से पता लगाया, इस रामनाथ काले का टिम्बर मार्ट है, होलसेल का बिजनेस है, काफी पैसे वाला आदमी, इलाके में भी धोधो इसका। पूरी हिस्ट्री निकालो इस रामनाथ काले की। हेमंत को रामनाथ ने कॉल नहीं किया था एसी के लिए। हेमंत भी यही कह रहा है सर, उसे कहीं और से कॉल आया ही नहीं। फिर भी दो लोग वहां मैकेनिक बनकर पहुंचते हैं। बेटा मनोज कहता है कि उसने इन दोनों को पहले कभी नहीं देखा। हेमंत सच बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों जरूर किराए के हत्यारे होंगे और वहां सुपारी को अंजाम देने गए थे। अब सवाल ये है कि ये सुपारी दी किसने? कई सौदे नगद कैश में हो रहे थे, गल्ले में ढेर सारा कैश आ रहा था रोजाना,
क्या इसका मनीषा काळे के कत्ल से कोई ताल्लुक था? रामनाथ काळे की कोठी पर आए दोनों हत्यारों का मकसद काफी साफ मालूम हो रहा था, लेकिन ये कत्ल किसने और क्यों करवाया था, इस सवाल का जवाब एक गहरे कोहरे में लुप्त था और इन्वेस्टिगेटिंग टीम को इस कोहरे को हटाना था। घर में एसी खराब हुआ था सुना? मनीषा काळे ने कभी इस बारे में आपसे जिक्र किया? मेरी ज्यादा बात नहीं होती थी, वो थोड़े बड़े लोग है ना। नहीं नहीं, मनीषा वैसे सबसे घुल मिल कर रहती थी, बस थोड़ी बात कम किया करती थी। एसी खराब हुआ था बोल रहे हैं, उसी बहाने ठीक करने आए थे ऐसा सुना मैंने। वो तो नहीं पता, लेकिन अजीब लगता है इतने बड़े आदमी के घर ऐसे कैसे कोई घुस आया। बाबा मैं कॉलेज आ रही हूँ। संभल के जाना। मनोज, ए मनोज, एक काम कर, बाबा के साथ दुकान पर चला जा, तेरा मन लगा रहेगा। मैडम बात की पड़ोसियों से, लेकिन एसी खराब होने वाली बात तो मनीषा ने किसी से की ही नहीं। शारदा, कोई ना कोई तो जानता था कि उनके बेडरूम का एसी खराब है। इसी जानकारी का फायदा उठाकर वो हत्यारे घर में घुस पाए और कत्ल कर पाए। पर एसी वाली बात घर वालों के अलावा और कौन जान पाएगा? घर वाले, ये मनीषा और रामनाथ की बेटी आरती काळे, क्या स्टोरी है इसकी? कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड? ऐसे खुलम खुला तो कुछ नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आई का मर्डर हुआ है तो सब दबा दबा हो। पड़ोसियों ने भी कुछ नहीं कहा वैसे। और ये रामनाथ काळे? आसपास वाले लोग बोले कि कभी कभार वो काफी देर से घर आता था और कभी कभी तो आता ही नहीं था, कहीं और जाता था। वो एंगल तो अभी सामने नहीं आया मैडम। किसी और बात को लेकर पति पत्नी में झगड़े? लोग बोलते नहीं है मैडम, डरते हैं, पैसे वाला है ना। संतोष काळे का कहना है कि वो पक्का नहीं बता सकता। काफी जोर देना पड़ा मुझे, उसके बाद ये निकल पाया। पता नहीं हमारे काम के हैं भी या नहीं। जिन हत्यारों को हम ढूंढ रहे हैं उनकी हुलिये शायद इससे अलग होंगे। एक काम करो और थोड़ा फाइन पॉलिशिंग करा। श्योर नहीं है मैडम, पर उनमें से कुछ ऐसा दिखता था। पक्का नहीं है क्योंकि सब कुछ इतने जल्दी जल्दी में हुआ। वो कागजात मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिए। एक दो दिन में बात करता हूँ अंदर से। भाऊ वो पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है, सवाल कर रही है। काम है उनका मर्डर केस। लेकिन भाऊ
मुझे लग रहा है वो मुझ पर भी थोड़ा शक जैसा कुछ कर रहे हैं। उन्हें उनका काम करने दो। राम राम बाबू। बोला क्यों? राम राम साहब। साहब एक तो नासिक सिटी और दूसरा सिन्नर मार्केट, दोनों जगह फील्डिंग लगा दो। इसके लिए भोसले साहब दो लेडीज है, एक है रमा पावस्कर, नासिक सिटी में धंधा करती है, दूसरी सुरेखा शिरके करके एक भाई है, शादीशुदा औरत है, सिन्नर मार्केट से थोड़ा दूर घर है उसका। साहब ये रमा पावस्कर है नासिक वाली, ये आपके रामनाथ काली की फिक्स है, और ये जो दूसरी है सुरेखा शिरके, उसके साथ तो सालों से चक्कर चल रहा है। रमा पावस्कर। कौन तुम्ही? पुलिस। सुरेखा शिरके। होकी क्या बात है? बात तो अब पुलिस स्टेशन में ही होगी। पुलिस स्टेशन? मैंने क्या किया है? यहाँ पर बात शुरू हुई तो तुम्हारे अफेयर की बात खुलेगी, और वो बात तुम्हारी वाट लगा सकती है सुरेखा शिरके। क्या अफेयर? मुंह संभाल कर बात करो, मैं एक शादीशुदा शरीफ घर की औरत हूँ। अच्छा, बुला अपने पति को, सास ससुर को, जेठानी देवरानी को, फिर सबके सामने पूछती हूँ कि रामनाथ काले कौन है और तेरा क्या लगता है। काले साहब, हाँ आते नहीं है मेरे पास। कब से? ये कोई 5-6 साल हो गए रहेंगे। यहाँ रह भी जाते थे? हाँ रह भी जाते हैं कभी कभार। तुम्हारी आखिरी बैठक कब हुई थी? कल रात को। तो मनीषा काले का मर्डर तुम्हारे काले साहब ने अकेले किया था या तुमने उनका साथ दिया था? हथियारों के स्केच हैं, उतने सही नहीं है, लेकिन फिर भी बताओ कि इन दोनों को किसने भेजा था काले की कोठी पर। हे बगा मैडम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे मेरे धंधे को खतरा हो। आणि तसं पण काळे साहब कोई अकेले नहीं है जो मेरे महफिल में खास है। यहाँ हार बैठने वाला खास होता है और सबका खास ख्याल रखना पड़ता है। तो इस खास ख्याल के दौरान कुछ खास बातें भी होती होंगी? हाँ होती है ना, हर महफिल में होती है। रामनाथ काळे ने तुमसे क्या खास बात की? वही जो हर दूसरा करता है, अपने घरवाली की थोड़ी सी बुराई और मेरी ढेर सारी तारीफ। तुम पर ढेर सारे पैसे भी खर्च करते हैं? मैडम अभी यही तो मेरे कमाने के दिन है। अभी ये कोई प्राइवेट नौकरी तो है नहीं कि जो हर साल पगार बढ़ती रहे, और ना ही सरकारी नौकरी जो बुढ़ापे के बाद वो पेंशन वगैरह दे दे। रामनाथ काले की पत्नी का मर्डर हुआ है, उसका बेटा बाल बाल बचा है। बुरा लगा सुन के। नहीं सच में बहुत बुरा लगा। अगर पता चला कि तू शामिल थी? नहीं पता चलेगा। देखो मैडम, और कुछ पता करना है तो पूछो, वरना माफ करो। सुरेखा शिरके, रामनाथ काले के घर पे जो दो लोग गए थे वो कौन थे? मला नहीं माहित। सुरेखा, रामनाथ काले के साथ पिछले 6 साल से तुम्हारा अफेयर चल रहा है? हाँ साहब चल रहा है, लेकिन मैं मना नहीं कर रही। और जाहिर सी बात है ये सब तुम्हारे पति के पीठ पीछे चल रहा होगा। उनको कुछ नहीं पता, मगर हम दोनों अपनी लिमिट जानते हैं। पर लिमिट तो क्रॉस हो गई है सुरेखा जी, मनीषा काले का मर्डर हुआ है, आपके बॉयफ्रेंड रामनाथ काले की बीवी, किसने मर्यादा पार की? सिर्फ रामनाथ ने या तुमने भी साथ दिया था उसका? मनीषा को मरवा के मेरा कुछ फायदा नहीं हो सकता, और रामनाथ जी भी ऐसा नहीं कर सकते। फिर किसने मारा? पता होता तो पहले ही बता देती ना, क्यों अफेयर के बारे में सुनती बैठती? किसी और के मुंह से सुनने में अच्छा थोड़ी ना लगता है। रामनाथ के छोटे भाई संतोष काड़े के फोन रिकॉर्ड से भी कुछ हाथ नहीं लगा। सर उस एसी वाले हेमंत पे भी नजर रखवाई थी मैंने, कुछ निकला नहीं। मनीषा का रामनाथ काले के पास एसी के बारे में शिकायत करना, ठीक उसी दिन हेमंत का नाम लेकर दो हत्यारों का वहां आना और मनीषा को मारना, कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक है।
सर इस वक्त रामनाथ काड़े के खिलाफ कुछ भी नहीं है हमारे पास। और संतोष काड़े के खिलाफ भी कुछ नहीं है। शायद इस केस में, उस घर में, उन जिंदगियों में ऐसा कुछ तो है जो हमारी नजर से पूरी तरह से चूक गया है, और वो इसलिए क्योंकि वो हमसे पूरी तरह से छुपाया गया है। भाव पूर्ण चार बेटे आए। अरे लेकिन भाव गिन तो लो। तूने दिए तो पूरे ही हो गए, नहीं हो गए तो तू भाग थोड़ी जाएगा। राम राम साहब। साहब ये खबर आपके कितने काम की है पता नहीं। बोल फटाफट। साहब ये मनीषा काले मर्डर केस में बाइक इस्तेमाल हुई थी ना? हाँ, दो लोग थे, बाइक पर आए फिर भाग निकले। इधर नासिक हाईवे को लगकर एक दिवाकर ऑटो मार्ट है, छोटा सा है, मैंने ऐसे ही बात छेड़ दी उधर सेकंड हैंड बाइक के बारे में। आगे? तो आगे उसका मालिक है दिवाकर, बात बात में बोला इधर एक बंदा है ललित पवार करके, इधर ही नासिक का है। साहब उसने पिछले 1.5 साल में 2 बाइक और 1 कार खरीदी है। हाँ तो? पूरा रोकड़ा देकर, 1-1 रुपया कैश। हाँ तो मनीषा मर्डर केस को लेकर खबर क्या है? साहब मैं पहले ही बोला आपको, ये खबर आपके कितने काम की है पता नहीं। ठीक है भोसले, तू कोशिश करते रहे। टिम्बर का बिजनेस है रामनाथ का, ज्यादातर कैश में होता है और होलसेल में ट्रेडिंग करता है। ये भोसले खबरी ने जो बात बोली, ललित पवार, 1 कार 2 बाइक ऑल कैश, क्या उसका कोई कनेक्शन हो सकता है रामनाथ से? सर इस वक्त कनेक्शन सिर्फ कैश है। सुपारी में कैश ही तो सबसे बड़ा कनेक्शन होता है। इस ललित का रामनाथ के साथ कैसा कनेक्शन बनता है ये देखना अभी बाकी है। पर राणे कभी कभी अजीब सी टिप भी हमारे केस को झटके में सॉल्व कर देती है। तो उठवा लो इस ललित पवार को। उछला देना, लेकिन सवाल जनरली रखना कैश को लेकर, कि इतना सारा हार्ड कैश उसके पास आया कहां से? ब्लैक मनी, कैश की अंधेरी मार्केट में पुलिस एक तीर मार रही थी, एक चांस ले रही थी। कुछ गाड़ियों की खरीदी में इस्तेमाल हुए कैश की छानबीन की गई, जिसका मौजूदा इन्वेस्टिगेशन से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पुलिस का चलाया गया ये तीर निशाने पर लग गया। ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी माझी है साहब। कभी घेतली? साहब हो गए 9-1 महीने। सुना दिवाकर को पूरा कैश दिया तूने? हो साहब दिया। सुना इसके पहले तो किराए की गाड़ी चलाता था, नासिक शिरडी अप डाउन प्राइवेट टैक्सी। हो मैडम बरोबर। और तूने इतना सारा कैश इकट्ठा किया, ये फुल कैश में गाड़ी खरीदी? सेकंड हैंड है साहब, बाबा के नाम पे ली है। अच्छा, तेरे बाबा ऐसा क्या बिजनेस करते कि उनके पास इतना कैश रेडी पड़ा था? नहीं नहीं, बाबा की सिर्फ नाम पे लिए, कैश तो मैंने ही भरी है। आसमान से गिरा क्योंकि तेरे सेठ ने तुझे लोन वोन तो दिया नहीं, पूछा हमने। दरअसल साहब मुझे पैसे मिले। मिले हुआ था? सड़क पे पड़े मिले थे? नहीं, किसी ने दे दिए, एक दोस्त ने। ललित पवार नाम क्या है उसका? क्या क्या बोला तू? किसने कैश दिया था तुझे? तो ये गाड़ी तेरी नहीं, ट्रैवल वालों की है। हो सर, ट्रैवल वाले की। अगर मैं तुझे पैसे दूं अपनी गाड़ी लेने के लिए? आप ऐसे पैसे क्यों देंगे मुझे? क्योंकि मुझे तू चाहिए, जब जब मैं बुलाऊं तब तक तू गाड़ी लेकर आ जाए, जहां भी मैं बोलूं वहां मुझे ले चले, और बाकी टाइम भाड़े उठा कमाई कर, क्या बोलते है? गाड़ी खरीदने का रोकड़ा मैं तुझे दूंगा, पूरा का पूरा कैश, बोल मंजूर है? मनोज काले, रामनाथ काले का 15 साल का बेटा, और उसने तुम्हें 3 लाख रुपए कैश दिए थे सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए? हाँ साहब, और उसके पहले 1 लाख रुपए दिए थे 2 सेकंड हैंड बाइक खरीदने के लिए। बाइक्स का है? साहब वो तो उन्होंने अपने दोस्तों को दे दी। वो तुझे बुलाता था किस लिए? कहाँ घूमता था ये 15 साल का मनोज? मनोज भाई शौकीन है। शौकीन? हाँ, कभी लॉज तो कभी होटल। सर ये मनोज 9वीं में 2 बार फेल हुआ था तो उसने स्कूल छोड़ दिया था। पर लॉज में किस लिए?
साहब वो कई बार अलग अलग लड़कियों को पिकअप करके मुझे वहां ड्रॉप करने बोलते थे। मस्त दिख रही है। कल ही लाई मैं नासिक के मॉल से। संडे को दोबारा जाओ उधर और जो भी ड्रेस पसंद है खरीद लेना। वैसे भी अब मेरे को तेरे पे ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, निकाल दे इसे। ये 15 साल का लड़का अपने से बड़ी लड़कियों के साथ। दर्जनों लड़कियां हैं साहब, मनोज भाई इन सब पे बहुत खर्चा करते। इनमें से पहले किसी को देखा है? ये जाना पहचाना सा लगता है। अरे वो तो मतलब सॉलिड है, सिर्फ नोट टिका, कुछ भी करेगी। तो मिलवा दे, नोट तो है और सब कुछ करना भी है। वैसे भी अपने को रोज कुछ नया चाहिए। नाम पता और कुछ जानते इस बंदे के बारे में? नहीं साहब, लेकिन मैंने इसको भी 2-4 बार लॉज पे ड्रॉप किया है। फिरुन फिरुन का बोलता है, सरल बोला ना। इधर दुकानात मला खूब काम है, फोन वर नहीं बोलू शकत का तुम्ही। हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। तो फिर तुम सिर्फ बैठे रहोगे पालक की हैसियत से, क्योंकि कानून के हिसाब से पालक का हाजिर होना जरूरी है जब उसके नाबालिग बेटे या बेटी से पूछताछ होती है। इसलिए तुम सिर्फ बैठे रहोगे जब हम तुम्हारे बेटे मनोज से सवाल पूछेंगे। मेरे बेटे से सवाल क्यों? उसने क्या किया? वो तो हम उसी से पूछेंगे, लेकिन रामनाथ काले यही सवाल अगर तुमने मनोज को सही वक्त पे पूछे होते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। और क्या पूछना है मुझसे? वो दो लड़के जो आपके घर आए थे, आपकी पत्नी का कत्ल किया, उनका नाम नंबर और पता चाहिए हमें। अरे मैं इन्हें जानता ही नहीं तो बताऊंगा कैसे? बताया तो था आपको। मुझे और मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन क्यों ले जा रहे हो? हमारे साथ चलिए तो सही, सब कुछ पता चल जाएगा। बसा। मनोज, ललित को तो तुम जानते ही हो। इसने हमें बताया कि जिस आदमी की स्केच हमने तुम्हारे संतोष काका के कहने पर बनाई थी उसे तुम पहचानते हो। ये नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। पर हम तुम्हें जान गए मनोज। 3 लाख कैश गाड़ी के लिए, 1 लाख कैश 2 सेकंड हैंड बाइक के लिए, नूरी लॉज, खुशबू होटल, हफ्ते में 1-2 बार लड़कियों पर हजारों खर्च कैश। अरे मनोज सच है ये? तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड हमारे पास है, उन दोनों को तो हम जैसे भी ढूंढ ही लेंगे। बेहतर यही होगा कि तुम सच बोल दो। मनीष ये तो गो आहो, इधर आ, हेमंत से बात कीजिए ना, ये एसी 3री बार खराब हो गया है। लगता है इस एसी का ना अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। मैं हेमंत को बोलता हूं इसे भंगार में बेच के नया लगवा दे। आज करना है? नहीं बोला ना आज करना है, निकलो अभी। हो गया? हाँ हो गया। ठीक से हुआ? चेक किया? अरे बाबा, अरे मनोज घर में दूध खत्म हो गया है बेटा, ले आना। कितना लाऊं? 1 लीटर।
योगेश और साधिक इस वक्त कहां मिलेंगे? बताओ मनोज, क्यों किया ये सब? क्यों मारा एक मनोज कशाला? बाबा, आज खाने में कोमड़ी और सुबह की सब्जी है। हाथ धोले, दोनों मिलके खाते। नहीं बाबा, मैं घर से खाकर आया हूँ, अब खा लीजिए, मैं यही वेट करता हूँ। मैं ये रोज करता था, बाबा को डब्बा दिया, गले पर बैठा और दो तीन बंडल निकाल लिया। बाबा को कभी पता नहीं चलता था, लेकिन एक दिन आई को मालूम पड़ गया। मनोज, ये ले बाबा का डब्बा, रेडी है, ले जा जल्दी गरम गरम। बाबा को बोलना आज कोलंबी का कालवन बनाया है और पापड़ी की सब्जी, चल ले जा जल्दी। आई अभी टाइम है, जाता हूँ 10 मिनट में। सुन, डब्बा तेरे बैग में रख रही हूँ। तू, ये क्या है, क्या है ये? तेरे बैग में इतने सारे पैसे कहां से आए? मैंने पूछा तेरे बैग में ये पैसे कहां से आए? तूने बाबा के गले में से चुराए? नालायक, बेशरम, चोरी करता है, चोरी करता है तू। तुझे बाबा ने यूं त्यास सांगते तन्ना नहीं आए? नहीं बाबा, ना सांगू नको, नहीं माफ कर दे, आए माफ कर दे। तू पहले मुझे बता कि तू इन पैसों का क्या करता है? कुछ नहीं आए मनोज, मैंने पूछा तू इन पैसों का क्या करता है? आगे से कभी नहीं करूंगा आए, तेरी शपथ। पैर पड़ता हूँ भाई, पैर पड़ता हूँ। तेरे बाबा का सारा धंधा रोकड़े में चलता है, उनके पास गिनने तक की फुर्सत नहीं होती, इसलिए कोई भरोसे वाला चाहिए होता है हाथ बटाने के लिए, इसलिए सारा काम तुझे सिखा रहे हैं। और तू, तू चोरी करता है, जबकि कल सब कुछ तेरा ही होने वाला है, तब क्या करेगा? एक हफ्ते में सब कुछ उड़ा देगा। हाँ, माफ कर दे, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। तू ये सारे के सारे पैसे आज अभी गल्ले में वापस रखेगा? हाँ रखूंगा। आइंदा कभी गल्ले के पैसों को छुएगा? कभी नहीं आए, कभी नहीं। मनोज, मैं रोज रोज के रोज तेरी बैग चेक करूंगी। रोज चेक करना, आगे से कभी नहीं करूंगा ऐसा। देखती हूँ। तू इस बार बाबा को तो नहीं बताएगी ना? ए मनोज, एक 20,000 चाहिए, दे देना। बाद में, अभी नहीं है। आप भाव क्या खा रहे, देना, अर्जेंट है। अरे बोला ना अभी नहीं है। चिल्ला क्यों रहे बे? तूने जब जब कुछ भी मांगा है मुझसे, मैंने हर चीज के लिए हाँ कहा है ना, और वो भी स्माइल के साथ। देख, अब ज्यादा नाटक मत कर, वरना अगली बार भी नहीं दूंगा, समझी? कह रहे मनोज, मूड ऑफ? 2-3 हफ्तों से देख रहा हूँ तुझे, तेरा चेहरा बहुत रुका सूखा सा लग रहा है। जब पानी नहीं मिलेगा तो सब कुछ रुका सूखा ही रहेगा ना। पैसे क्यों नहीं तेरे पास? है एक टेंशन। पैसा है तेरे पास, और ये पैसा है ना, हर टेंशन को मिटा देता है। बोल, क्या टेंशन है तुझे? आई मेरी, मेरी माँ। अपनी माँ का खून करने के लिए तुमने योगेश और सादिक को कितने पैसे ऑफर किए थे? 4 लाख, जो तुम इन दोनों को मर्डर के बाद देने वाले थे। क्योंकि तुम्हें रोकने वाली, बाबा को बताऊंगी ये धमकी देने वाली तुम्हारी आई रास्ते से हट जाती तो तुम रोज आराम से अपने बाबा के गले से पैसे चुरा सकते थे। इतनी कम उम्र में ये सोच, ऐसा केस मैंने अपने करियर में आज तक नहीं देखा। तुम पर भी कुछ तो असर हुआ ही होगा, अपना खून है तुम्हारा, तुम्हारे नाक के नीचे तुम्हारे बेटे ने अपनी माँ का कत्ल किया है। Thank you.
किराए के हत्यारे सादिक मिर्जा और योगेश वाघमारे गिरफ्तार किए गए। नाबालिग होने के कारण मनोज काड़े को जुवेनाइल रिमांड होम भेजा गया है। मनोज के इस संगीन जुर्म ने उसके पिता, चाचा और बहन को एक गहरे सदमे में छोड़ दिया है। सादिक और योगेश को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 451 के तहत गुनाह करने के लिए किसी के घर में घुसने के लिए और धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। एक 15 साल का बालक अपने पिता के गल्ले से कैश चुराकर एक अय्याशी भरी दोहरी जिंदगी बसर कर रहा था, और जब उसकी सगी माँ द्वारा उसकी चोरी पकड़ी गई तब उसने बड़ी निर्दयता से अपनी मां का ही कत्ल करवा दिया। आजकल जरूरतों से ज्यादा हासिल करने की चाहत दुनिया का दस्तूर बन चुकी है, और उपभोग की अनगिनत चीजें इतने आकर्षक और इतने आसान तरीके से उनके इर्द गिर्द मंडराई जाती हैं कि इसके लिए सिर्फ इंसान के लालच को दोष देना जायज नहीं होगा। तो फिर दोष का ज्यादा भार किसको जाना चाहिए? हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं और खुद उदाहरण बन सकते हैं एक सुनहरी कहावत का, सादा जीवन उच्च विचार। ये बेहद जरूरी है कि हम अपने आप को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस तेजी से बढ़ते कंज्यूमरिज्म यानी कि उपभोगवाद से बचाएं। मनोज इस वक्त बेल पर बाहर है, जो खुद उसके पिता रामनाथ ने करवाई, और अब वो अपने परिवार के साथ रह रहा है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।